नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक जज साहब थे। उनकी पत्नी उनकी माँ से बहुत लड़ती थी। जज साहब से यह देखा नहीं जाता था, इसलिए वो अपनी ही माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वहाँ के चौकीदार को बोले कि मेरी माँ का ध्यान रखना। चौकीदार से थोड़ी बातचीत हुई तो चौकीदार ने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं एक जज हूँ। चौकीदार ने उनसे माँ को छोड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मेरी माँ से लड़ाई करती है और उसने मेरे दोनों बच्चों को मेरी माँ से बात करने से भी मना कर दिया है और मेरी माँ बहुत दुखी और अकेली रहती है क्योंकि उससे कोई नहीं बात करता। मैं तो नौकरी पर जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँ। यहाँ दूसरों से बात करके वह अच्छा महसूस करेंगी। चौकीदार ने कहा, साहब आप जज हैं, आप सबके साथ न्याय करते हैं, पर आपने अपनी माँ के साथ ही न्याय नहीं किया। यह बात उस जज के दिल को छू गई। उसने सोचा कि मैं दूसरों के साथ क्या न्याय करूँगा जब मैं अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाया। फिर वह जज साहब अपने घर गए। उनके घर में उनकी पत्नी और दोनों बच्चे खाने पर उनका इंतजार कर रहे थे। उसने उन तीनों को एक एक लिफाफा पकड़ाया। पत्नी के लिफाफे में लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तलाक के नाम से पत्नी के हाथ से थाली गिर गई और बच्चों के लिफाफे में लिखा था कि मेरी ये जो संपत्ति है वो मैं तुम दोनों में आधी आधी बांट रहा हूँ और मैं भी अपनी माँ के पास वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। बच्चे छोटे ही थे। बच्चे बोले, पापा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए, आपके बिना हम इस जमीन का क्या करेंगे। वो बोला, नहीं, मैं तो अपनी माँ के पास वृद्धाश्रम में ही रहकर अपनी माँ की सेवा करूँगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी माँ ने मुझे जज बनाने के लिए कितनी तकलीफ झेली होगी और अब तुम भी इंतजार करना वृद्धाश्रम जाने का। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा उस वक्त का तुम भी इंतजार करना। ऐसा कहकर वह अपनी माँ के पास वृद्धाश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि माँ अपने पूरे परिवार की तस्वीर पकड़कर रोती हुई सोई हुई थी। उसने अपनी माँ को जगाया। माँ उसे देख के बहुत खुश हुई। फिर वो चारों भी वृद्धाश्रम पहुँच गए। जज की पत्नी ने अपनी सास से माफी मांगी और सब घर आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।